E. ऑल फ्रेंड्स आज मैं आपको देखिए नाप लेने का तरीका बताती हूँ कि हम जूते को नापते कैसे हैं तो समझ लीजिए ये आपका पैर है देखिए इसके बाद आपने इस तरह से यहाँ से नापना है यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई नापनी है तो ये है साढ़े नौ सें ठीक है ये साढ़े नौ हो गए हमारे अब आपने देखिए जब आपने ऊपर से बनाना है तो आपने इसकी इस तरह से गोलाई नापनी है इस तरह से रखिए और जो ऊन होता है ना वो स्ट्रेचेबल होता है तो आप इस तरह से नापेंगी तो ये साढ़े ग्यारह हो जाएगा यानी कि ये साढ़े ग्यारह इंच है यानी इसकी गोलाई साढ़े ग्यारह इंच है और जब फ्रेंड्स आपने देखिए यहाँ से बनाना है तो अब आप देखिए जितना आप डिज़ाइन बना लेंगे उस डिज़ाइन के बाद आपने सोचना है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे रखें तो आप इस तरह से रखिए अपने डिज़ाइन को ये तो ऊपर तक आएगा इसके बाद आपने देखिए इसको इतना बढ़ाना है यहाँ से इस तरह से थोड़ा ये स्ट्रेच भी हो जाता है तो यहाँ तक आ जाएगा तो आपने ये तो आपकी यहाँ से यहाँ तक तो आपका देखिए सवा दो इंच है यहाँ पर ये जो आपका बॉर्डर आएगा सवा दो इंच का आएगा इसके बाद यहाँ से ये सवा दो इंच छोड़िए और इसके बाद आपने यहाँ तक यानी कि फ्रेंड्स आपने पूरा टोटल पाँच इंच का बनाना है तो देखिए यहाँ से मैंने बना लिया है यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक और ये थोड़ा सा खिंच भी जाता है तो यहाँ तक ये आ गया है इसके बाद यहाँ तक आपने बस इतना ही बुनना है यहाँ से देखिए ये देखिए पाँच इंच हो गया पाँच के बाद फिर आपने क्या करना है इसके दो पार्टीशन करने हैं जहाँ से हम ये अंगूठे वाला बनाएंगे तो इस तरह से फ्रेंड्स आप छोटा बड़ा हर तरह का जूता नाप के बना सकती हैं देखिए जब हम पाँच नंबर का बनाते हैं तो पाँच नंबर के अंदर आपने पचपन फंदे या छप्पन फंदे छप्पन फंदे रख लीजिए छः छः के हिसाब से और अगर आपने छः और सात का बनाना है तो साठ फंदे कर दीजिए और अगर आपने इससे बड़ा बनाना है आठ और नौ के लिए बनाना है तो आप इसके अंदर छः फंदे और बढ़ा दीजिए जैसे जैसे आप छः फंदे बढ़ाएंगी वैसे वैसे एक एक नंबर बढ़ जाएगा और जैसे जैसे आप छः फंदे कम करेंगे एक नंबर घट जाएगा इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स देखिए आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा जूते का बहुत ही सिंपल सा डिजाइन लेकर आई हूँ जिसे बिगनर्स भी बना लेंगे और देखिए आज मैं मोस्टली मैं फ्रेंड्स देखिए छः से सात नंबर का जूता बनाती हूँ लेकिन आज मैं आपके लिए सिर्फ पाँच नंबर का जूता लेकर आई हूँ जो पाँच नंबर वाले हैं वो ईजिली इस मेथड को फॉलो करके अपने लिए बना सकते हैं तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर पांच लाइनें डाली हैं सीधी सीधी सिलाई से एक दो तीन चार पांच तो देखिए मैंने पांच यानी दस सिलाइयाँ सीधे सीधी बुन ली हैं और मेरा सिलाई नंबर देखिए ग्यारह है चार प्लाई वाला ऊन है वर्धमान का थोड़ा सा शाइन भी है इसके अंदर और अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद आपने जिनका पांच नंबर का पैर है वो इसके अंदर मैंने छप्पन फंदे लिए हैं और देखिए मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी कि अगर किसी को इस डिज़ाइन को बड़ा बनाना है तो वो छः नंबर और बढ़ा लें इसके अंदर यानी कि सिक्सटी टू पंदे डाल लें तो फिर ये छः से सात नंबर का भी बन जाएगा तो आज सिर्फ हम पाँच नंबर की बात करते हैं लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ कि किसी को डिज़ाइन पसंद आए तो वो भी अपने लिए इसे इजीली बना सकते हैं तो देखिए जब आप फंदे डाल लेंगी इतना बुन लेंगे इसके बाद आपने क्या करना है तो देखिए चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए मैंने किस तरह से बुना था तो देखिए अब आपने क्या करना है यहां से दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस देखिए फ्रेंड्स जिस तरह से मैंने आपको बाईस फंदे दिखाए हैं ना इसी तरह से मैंने इसके अंदर दस सिलाइयाँ बुनी है तो अब ये मेरी ग्यारहवीं सिलाई है और मैंने बाईस फंदे बीच के यानी साइड के बुन लिए हैं और बीच से हम यहाँ से धागा करके फंदे बढ़ाएंगे तो देखिए एक हर फंदे से पहले एक फंदा बढ़ाना है दो तीन चार पांच सात आठ नौ और ये दस अब गिन लेते हैं कि देखिए हमने बीच में दस फंदे बुन लिए हैं तो दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस और ये मेरे साइड के बाईस फंदे हैं वो बाईस फंदे इधर हो गए बाईस इधर और फ्रेंड्स देखिए हमने बीच में कितने फंदे बढ़ाएं ये भी मैं आपको बता देती हूँ दो दो तो चार दो तो छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस बाईस के बाद देखिए बीच में जो फंदे मैंने डाले हैं इन्हें भी गिन लीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और फिर आप एक और बढ़ा लेंगी यानी कि फ्रेंड्स दस फंदों में हमने दस फंदे बढ़ा लिए हैं इसके बाद अब आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है इस तरह से तो ये मेरी ग्यारहवीं सिलाई है और फ्रेंड्स लास्ट में इसको मैं आपको पूरा मेजरमेंट भी बता दूंगी यानी कि मैं आपको नाप के दिखाऊंगी जब ये तैयार हो जाएगा कि किस किस तरह से हमने इसे बनाया है और कहां कहां से हमने इसको आपने जब नापना है ये भी मैं आपको बताऊंगी तो देखिए इस रो तो को कंप्लीट करने के बाद ये ग्यारहवीं सिलाई है बारहवीं सिलाई हमने पूरी जो है उसे उल्टी सीधी बुननी है क्योंकि अभी हम सीधे का काम कर रहे हैं तो सीधा ही बुनेंगे इस तरह से धागा आगे कीजिए लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुनिए इस तरह से अब आपने बारहवीं पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है तो बारहवीं पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि तेरहवीं सिलाई में हमने क्या करना है तो so फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर बार बारह सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं अब तेरहवीं सिलाई देखिए आपने फिर से बाईस फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुनने हैं दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और बाईस देखिए अब ये बाईस फंदे हो गए आपने धागा आगे लाना है और बीच के फंदों को भी दस फंद यानी कि बीस फंदों का अब आपने बोलना है एक दो तीन जब आप फ्रेंड्स धागा आगे ला के रहे हैं तो एक पल वाला फंदा इस पर बढ़ रहा है ये ध्यान रखिएगा ठीक है दो के बाद देखिए तीन हो गए चार धागा आगे पांच धागा आगे छः धागा आगे ये सात धागा आगे आठ धागा आगे नौ धागा आगे दस धागा आगे ग्यारह धागा आगे बारह धागा आगे तेरह धागा आगे चौदह चौदह के बाद धागा आगे पंद्रह धागा आगे सोलह धागा आगे सत्रह धागा आगे अठारह धागा आगे उन्नीस धागा आगे बीस यानी मैंने बीस फंदे बुने हैं और उनके बीच में मैंने फंदे डाले हैं तो इसलिए बीच में चालीस फंदे हो गए और ये देखिए बाईस फंदे होंगे दो दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस एक रह गया है ये वाला क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ तो हमने बाईस की बात डाला था जब हम यहाँ बाईसवा बुने तो थे एक फंदा यहाँ बढ़ गया था इसीलिए इक्कीस के बाद अब आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी ये वाले फंदे बुनने हैं और जब आप इधर आएंगी यानी आपने फोर्टीन सिलाई यानी चौदवी सिलाई भी आपने पूरी सीधी सीधी बुननी है तो अब ये दोनों सिलाइया कंप्लीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है फ्रेंड्स मैं ये जो चौदवी सिलाई बुन रही हूं ना सीधी सीधी बुननी लेकिन आपने एक चीज देखनी है जो हमने फंदे बढ़ाए हैं उनको किस तरह बुनना है अगर आप देखिए फ्रेंड्स उनको देखिए जो हमने फंदे बढ़ाए हैं उस जो बीच में एक सीधा बुना था उसे तो आप इस तरह से बुन सकती हैं लेकिन जो आपने बल वाला फंदा बढ़ाया था ना अगर फ्रेंड्स देखिए आपने उसको इस तरह से बुना तो देखिए बीच में जाली पड़ जाएगी लेकिन फ्रेंड्स आपने जाली तो नहीं डालनी बस फंदा ही बढ़ाना है तो देखिए आपने किस तरह से यानी कि आपने इसको इस तरह से बैक लोप से बुनना है तो इसमें जाली नहीं पड़ेगी ये टिप्स हैं तो मैंने सोचा आपको ये बता दूं देखिए अगर मैं इस तरह से बुनती हूं तो ये जाली पड़ जाती है बीच में होल आ जाता है लेकिन जगह अगर आप इसको इस तरह से पीछे से बुनेंगे ये देखिए इस तरह तो फिर इसमें जाली नहीं पड़ेगी इस तरह से एक सीधा बुनेंगे और आपने एक पीछे से बुनना था इस तरह से बुनना है बीच के फंदों में जो आपने बल वाले फंदे बढ़ाए हैं और इस तरह से अब हमारी जो बाईस फंदे हैं इसको हम सीधा सीधा बुन लेते हैं और अब हम इसके अंदर डिज़ाइन बनाते हैं तो ये बुनकर कंप्लीट करके कर मैं आपको डिजाइन बताती हूँ इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर चौदह सिलाइया कंप्लीट कर ली हैं अब हम यहाँ से डिजाइन डालेंगे और फ्रेंड्स ये आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं अंगूठे वाला जूता बना रही हूँ तो आपने इसी तरह फॉलो करना है कोई सा भी डिजाइन हो या आपको कोई नेट पर बढ़िया डिजाइन मिल गया आपने अपने लिए बनाना है तो बस आप डिजाइन उसमें से देखिए और मेथड यही वाला फॉलो करिए तो यहाँ से देखिए अब आपने क्या करना है एक ये लेना है इसके बाद आपने ये देखिए एक वाइट कलर है आपके पास जो आपका फेवरेट कलर हो आप उसे यूज कर लीजिए दो फंदे आपने इस कलर से बुनने हैं और एक फंदा आपने सिर्फ उतारना है ठीक है इसे नहीं बुनना दो फंदे आपने वाइट से बुनने हैं एक फंदा आपने उतारना है तो आपने वाइट कलर से बुनने हैं एक आपने उतारना है दो फंदे आपने व्हाइट कलर से सीधे बुनने हैं एक फंदा उतारना है दो व्हाइट कलर से इस तरह से ये डिजाइन की फर्स्ट रो है इस तरह हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट कर फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है फ्रेंड इस तरह से मैंने डिजाइन की फर्स्ट रो जो है इसे कंप्लीट कर लिए है दो सीधे फंदे व्हाइट कलर से बुने हैं और एक फंदा मैंने उतार लिया है दो व्हाइट कलर से बुने हैं एक उतार लिया इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लिया है अब देखिए हम उल्टी तरफ आ गए हैं यानी यहां पर हमारी यहाँ से सोलवे सिलाई शुरू हो गई है आपने देखिए इसको उतारना है धागा पीछे करना है और ये देखिए दो फंदे आपने सीधे बुने हैं धागा अपनी तरफ कीजिए इस फंदे को उतारिए धागा पीछे कीजिए और ये दो फंदे सीधे बुनिए धागा अपनी तरफ इसे उतारिए धागा पीछे कीजिए दो फंदों को सीधा बुनिए धागा अपनी तरफ इसे उतारिए धागा पीछे दो फंदों को सीधा बुनिए इस तरह से फ्रेंड्स डिजाइन की सेकंड रो को कंप्लीट कर कर मैं आप मैं आपको बताती हूं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है फ्रेंड इस तरह से डिजाइन की सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई देखिए डिजाइन की थर्ड रो कैसे बुनेंगे इसी तरह से बुनेंगे लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपने फ्रेंड्स देखिए यहां से आपने ये वाला फंदा तो आप इस कलर से बुन लीजिए इसके बाद आपने ये वाला एक फंदा सफ़ेद वाला उतार लीजिए इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए इस कलर से ये एक और ये दो इन दो फंदों को आपने इस कलर से बुनना है और एक वाइट वाले फंदे को उतारना है फिर अब आपने देखिए ये एक और ये इस कलर से दो फंदे आपने इस कलर से बुनने एक उतारना है दो फंदे आपने इस कलर से बुनने यानी कि फ्रेंड्स ये शुरू वाला एक फंदा तो आप उतार लीजिए और अब आपने ये इस वाइट वाला और ये इन दोनों फंदों को एक सा बोलिए यानी ये उतारा ये थर्ड रो है ध्यान रखिएगा क्योंकि बस फ्रेंड्स हमने इन्हीं फोर रो को रिपीट करना है अब आपने फिर से देखिए एक, एक और दो फिर एक उतारिए फिर ये देखिए एक और दो फिर एक उतारिए फिर ये देखिए एक और दो फिर ये उतारिए और फिर ये एक और ये दो इस तरह से ये देखिए इस तरह से इस थर्ड रो को कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं आपको फोर रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है देखिए फ्रेंड इस तरह से थर्ड रो भी मैंने कंप्लीट कर लिया अब फोर रो बुनेंगे तो देखिए किस तरह से बुनेंगे फोर रो आपने बुनना है देखिए ये एक लीजिए इसके बाद ये जो आपका धागा है ना फ्रेंड्स इसको इस वाले फंदे को देखिए लास्ट में जो है इस वाले फंदे को आपने धागा आगे करके इस तरह से उल्टा बुनना था फिर देखिए फिर आपने क्या करना है यहाँ से देखिए अब आपने एक उतारना है या बुन लीजिए या उतार लीजिए इसके बाद आपने देखिए कि दो दो के बाद देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए इस वाइट वाले फंदे को उतारिए धागा पीछे कीजिए दो फंदों को सीधा बुनिए फिर धागा अपनी तरफ कीजिए इसे उतारिए धागा पीछे कीजिए और दो फंदों को सीधा बुनिए धागा अपनी तरह उतारिए धागा पीछे कीजिए और इन दो फंदों को सीधा बुनिए इस तरह से फ्रेंड्स देखिए जैसे ही मैंने बोला ना इस तरह से मैं इस रो को पूरी कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है इस तरह से फ्रेंड्स हमने डिज़ाइन की फोर रो कंप्लीट कर रखी है अब हमने फ्रेंड्स क्या करना है देखिए इसको उतारिए और इस फंदे को भी या तो आप इसको इस तरह से देखिए बुन लीजिए ये आपने बुन लिया है इस कलर से ये फंदा उतार लीजिए ऐसा करिए फिर आपने ये वाला जो फंदा है ना फ्रेंड्स इस वाले फंदे को इसके साथ मिला के बुनिए यहाँ से बस आपने बस फोर फोरो रिपीट करने तो यहाँ से देखिए इस तरह से इन दो फंदों को तो वाइट से बुनिए फिर आपने इसको उतारना है और अब आपने इन दो फंदों को इस तरह से सीधा बुनना है फिर आपने एक फंदा उतारना है फिर आपने एक और दो दो फंदों को सीधा बुनिए फिर आप इसे उतारिए यानी कि फ्रेंड्स एक फंदा इस कलर का और एक फंदा इस कलर का दो वाइट हो गए फिर आपने इसको उतार लिया फिर एक फंदा इस कलर का और एक वाइट कलर का इस तरह से देखिए इस तरह से तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने डिजाइन की फाइव रो भी कंप्लीट कर ली है फ्रेंड सिर्फ इसमें डिज़ाइन की फोर रो तक आपने बनाना है बस उसे रिपीट करते जाना है तो देखिए अब मैंने फिर फर्स्ट रो की तरह फाइव रो बनाई है और देखिए सेकंड रो की तरह मैं सिक्स रो बुनूंगी यानी एक वाइट से बुनूंगी अब आपने एक उतार लेना है यहाँ से देखिए धागा अपनी तरफ ले आइए इसे उतारिए धागा पीछे रखे लिया है, और जो दो फंदे आपने बुने थे ना उन्हें आप सीधा बुन दीजिए धागा अपनी तरफ लाइए एक उतारिए धागा पीछे कीजिए और इस तरह से आपने दो फंदे सीधे बुने धागा अपनी तरफ एक उतारिए धागा पीछे दो फंदों को सीधा बुनिए धागा अपनी तरफ एक उतारिए धागा पीछे दो फंदों को सीधा बुनिए धागा अपनी तरफ एक फंदा उतारिए धागा पीछे और दो फंदों को सीधा बुनिए इस तरह से फ्रेंड्स इस रो को कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है इस तरह से मैंने सिक्स रो भी कंप्लीट कर ली है और फ्रेंड्स देखिए इस तरह से डिजाइन आया आपने फ्रेंड्स बस इन चार रो को रिपीट करना है और रिपीट कर कर आपने कितना बनाना है तो मैं रिपीट कर कर फिर आपको उसको नाप लेकर भी बताऊंगी कि आपने कितना बनाना है तो मैं रिपीट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है ये फ्रेंड इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है और रिपीट करने के बाद देखिए इसका इतना प्यारा सा खूबसूरत सा लुक आया जैसे मैंने छोटी छोटी मोतियों से बना लिया हो इसको ये देखिए जब आप इसे पहनेंगे तो थोड़ा खिल जाएगा और इस तरह से इसका डिज़ाइन आएगा ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना बहुत आसान है सिर्फ टू ही रो रिपीट करनी है एक बार आपने टूर वो रिपीट करनी है फिर ऊपर जाके जगह चेंज करनी है फिर वही टूर रिपीट करनी है तो इतना प्यारा सा डिज़ाइन मैंने देखिए तैयार कर लिया और आपको ज़्यादातर मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें चाहिए था कि हम जो पहने वो चप्पल पे पहने यानी हमें अंगूठे वाला चाहिए तो बस आप इस मेथड से हर डिज़ाइन को यूट्यूब पे तो बेशुमार डिज़ाइन है आपको जो पसंद आए आप उठा लीजिए और मेरा मेथड फॉलो करिए और अपने लिए बना लीजिए इट्स वेरी सिंपल अब देखिए हमने क्या करना है मेरा डिजाइन कंप्लीट हो गया अब हम इसका पार्टीशन कर देते हैं देखते हैं इसमें कितने फंदे हैं फ्रेंड्स इसके अंदर मेरे 82 फंदे यानी कि चौरासी फंदे हैं तो हमने क्या करना है एक तरफ 42 फंदे कर लेंगे और एक तरफ 42 फंदे कर लेंगे ये साइज छोटा है ये ध्यान रखिएगा इसलिए मेरे इसमें चौरासी फंदे आए हैं तो अब आपने क्या करना है यहां से फंदे गिनने हैं दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तीस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस, चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस और ये चालीस इकतालीस और ये बयालीस तो फ्रेंड्स देखिए इधर मेरे बयालीस फंदे हो गए हैं और इधर भी बयालीस हैं बयालीस बयालीस यानी एट्टी फोर हो गए कंप्लीट अब आपने क्या करना है इसको नहीं बुनना और फ्रेंड्स देखिए जब आप ये फंदा बुनेंगे ना लास्ट वाला तो आपने क्या करना है धागा आगे करके लास्ट वाले फंदे को बुनी है इसलिए मैं बुन देती हूँ कि आपको ध्यान रहे अब आपने क्या करना है अब आपने यहाँ से फिर से इन बयालीस फंदों को सीधा सीधा बुनना है तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इधर के भी बयालीस फंदे सीधे सीधे बुनेंगे और जो हमने कट लगाया है ना जहाँ से अभी हमने नहीं बुना हम उधर के भी बयालीस फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे यानी कि आपने इसके अंदर सोलह सिलाइयाँ और आठ लाइनें डालनी हैं तो मैं ये सोलह सिलाइयाँ बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि इसकी सिलाई कैसे करनी है देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने बीच में कट लगाकर इधर की देखे मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है और इधर की भी इस तरह से तैयार करके मैंने इसे बंद कर लिया बंद करना तो फ्रेंड्स मैंने आपको हर वीडियो में सिखाया है ये तो इसमें मैंने नहीं सिखाया अब हमने जो इसकी सिलाई करनी है फ्रेंड्स तो इस तरह रखिए और रखने के बाद आपने देखिए यहाँ से आपने इसकी सिलाई करनी है यहाँ से सिलाई करनी है और जब आप इधर तक आएंगी तो देखिए आपने इस तरह से इसका नाप लेना है आपने नाप ले लिया तो आपने बस यहीं तक यहां से यहां तक तो फ्रेंड्स देखिए यहां से सीना स्टार्ट करते हैं यहां से बस आपने सिर्फ फ्रेंड्स आपने चैन से चैन मिलाकर के सीना है यहां से यहां से रखिए और यहां तो फ्रेंड्स देखिए मैं ये पूरा सी कर और यहाँ तक कर फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ की सिलाई अलग होगी और ये तो सिंपल है सीधा सीधा सीना तो मैं इसको सी लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है फ्रेंड यह यहाँ से यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कर ली है और आप देखिए ये इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहां तक बिल्कुल जोड़ तक आ गया है अब आपने इसकी सिलाई देखिए इस तरह से करनी है इस तरह से कीजिए ये हमारे एक साइड यानी एक थम का बन जाएगा और एक हमारी फिंगरों का बन जाएगा इस तरह से इसका पार्टीशन करते हैं पहले आप यहाँ से इसको एक दो टांके लगा के पक्का कर लीजिए इस तरह से आप आपने देखिए इसको इस तरह से रखना है और चैन से चैन मिला करके सीना है इस तरह से जैसे जैसे इधर का सिया है अब हम इधर का भी इसी तरह से सिलेंगे, तो उसी को दोबारा इधर ले आइए और अब इधर का भी यहां से सी दीजिए इस तरह से अब देखिए इसे सीधा करते हैं इस तरह से इस तरह से तार हो गया है मैं आपको इसको पैर में भी डालकर दिखाती हूँ कितना, कितना, कितना प्यारा है और इसकी डिजाइनिंग देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स जैसे कि मैंने छोटी छोटी मोतिया लगा दी है इस तरह से इसका डिजाइन निकल कर आया है और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग